फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीजा एंड स्टडी वीजा अपडेट्स। स्पेशली आई विल टॉक अबाउट जीएसटी जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, जो कि जीटी को रिप्लेस करने वाला है। सो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग इंडिया से अपना विजिटर वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं और वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवाना चाहते हैं दूसरे वीजा पे, जहाँ जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में विजिटर वीजा पे हैं या स्टडी वीजा पे हैं 485 पे हैं और दोबारा जो है स्टडी वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, डोंट मिस एनीथिंग। ये विजिटर वीजा और स्टडी वीजा दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि 11th of December 2023 को मिनिस्टर क्लेयर ओनील ने अनाउंस किया था कि वो काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आने वाले हैं। उन्होंने एक माइग्रेशन स्ट्रेटजी तैयार की थी, जिसमें उन्होंने प्रॉपर एक 99 पेजेस की बुकलेट बनाई थी कि वो क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था। तो उसी को लेके ये जो है एक बिग अपडेट है कि जो उसमें उन्होंने जीएस यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है या जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट या जीएसटी उसके बारे में बताया था, वो 23rd of March 2024 से जो है शुरू होने जा रहा है। सो 23rd of March 2024 से जो भी बच्चे अपनी फाइल लगाएंगे वो जीटी को फॉलो नहीं करेंगे, वो जीएसटी को फॉलो करेंगे, यानी कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट को फॉलो करके ही जो है अपनी फाइल सबमिट करेंगे। जो भी एप्लीकेंट्स 23rd of March 2024 से पहले अपनी फाइल लगाना चाहते हैं वो जीटी क्राइटेरिया में ही आएंगे। तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या जो नई चीज़ें आई हैं जीएसटी में, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जब हम अपना स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च करते हैं तो उसमें उन्होंने जीटी के अंदर एक 300 वर्ड की स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी का एक बॉक्स दिया होता है, जिसमें 300 वर्ड की जो है एसओपी लिखनी होती है वाइल फिलिंग योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसको उन्होंने रिप्लेस कर देना है एक टारगेटेड क्वेश्चन से। सो वो 300 वाला बॉक्स गायब हो जाएगा, उसकी जगह कुछ नए बॉक्सेस खुलेंगे जिसमें जो एप्लीकेंट है उनको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका उनको आंसर देना होगा, जिसमें कि सबसे पहले आ जाता है उनके करंट सर्कमस्टांसेस, उनकी फैमिली टाइज, उनकी कम्युनिटी, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस के बारे में उनको बताना होगा। फिर उनको एक एक्सप्लेनेशन देनी होगी उसी क्वेश्चन आंसर में वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। सो फॉर रीज़न टू चूज़ ऑस्ट्रेलिया एज ए स्टडी डेस्टिनेशन, कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ किया। उसके बाद उनको कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में भी बताना होगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, कि जो एप्लीकेंट है वो ये कोर्स क्यों करना चाहता है। सो इसके बाद जो आ जाता है स्पेशली वो आ जाती है एप्लीकेंट की प्रीवियस स्टडी हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया, कि अगर जो बच्चा है ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पे है उन्होंने क्या क्या स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कम्प्लीट की हुई हैं। जिन बच्चों का पहले वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, वो किसी और वीज़ा पे है, चाहे वो 485 पे है, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, तो उनके उनको उसके रीज़न भी देने होंगे कि वो 485 के बाद दोबारा क्यों स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, जहाँ वो विजिटर वीज़ा से जो है स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उनको उसके बारे में भी जो है जस्टिफिकेशन देनी होगी। और इसके अलावा ऑप्शनल अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी उनको बतानी होगी अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। पहले क्या होता था कि एक 300 वर्ड की जो है आप SOP लिख देते थे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में, जो अगर आपका एजेंट आपका वीज़ा लॉन्च कर रहा है तो आप अपने एजेंट को वो SOP लिख के देते थे और एजेंट आपके बिहाफ पे ही वो SOP जो है आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखता था। और उसके अलावा जो दूसरी एक GT यानी कि SOP लगती थी वो तो अलग से लगती थी, जो PDF में लगती है। तो अब जो 300 वर्ड की SOP है उसको रिप्लेस उन्होंने कर दिया है विद दीज क्वेश्चंस। इसमें उन्होंने डिटेल में सारे क्वेश्चन उसी में ही पूछ लिए हैं, उसको तोड़ मरोड़ के SOP को उन्होंने एक क्वेश्चंस का रूप दे दिया कि आप ये स्टडी क्यों करना चाहते हो, या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है ऑस्ट्रेलिया में, या आपका प्रीवियस वीज़ा कौन सा है, स्टडी वीज़ा है या विजिटर वीज़ा है या कौन सा वीज़ा है। तो ये सारी चीज़ें अब जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में उन्होंने इसमें पूछ ली है। सो ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये है कि उन्होंने उसका फॉर्मेट ही चेंज किया है, जो इतना बड़ा लोगों ने हवा बनाया हुआ था कि GST आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जो जेन्युइन इंटेंशन है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की, चाहे आप विजिटर वीज़ा से कन्वर्ट करने जा रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा से दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप 485 से स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं,
अगर आप इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो जो आपको जो है आपका स्टूडेंट वीज़ा ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, ये बात एक है कि जो पहले विजिटर वीज़ा से अगर आप स्टडी वीज़ा पे कन्वर्ट करवाते थे तो उसमें जो है स्टूडेंट वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई था। अब जो है ये जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी नेट माइग्रेशन ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे जो है गवर्नमेंट है राइट नाउ लेबर पार्टी है, पहले लिबरल थी। तो पहले जो लिबरल थी वो इमिग्रेंट्स हैं उनके फेवर में नहीं थी, लेबर गवर्नमेंट जो होती थी इमिग्रेंट के फेवर में होती थी जब वो अपोजिशन में थी। लेकिन जब से वो ये लेबर गवर्नमेंट आई है, पहले पहले तो इन्होंने दिखाया कि ये इमिग्रेंट्स के फेवर में रहेंगे, लेकिन ये भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहाँ पे इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो उनको वहाँ पे जो है नेट माइग्रेशन थोड़ी कम करनी है, जिसकी वजह से वो इंडिया से विस्तर वीज़ा काफ़ी रिफ्यूज़ कर रहे हैं। इवन आप अपने भाई बहन का वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी काफ़ी सारी रिफ्यूज़ आने शुरू हो गई है। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है और जो राइट नाउ पॉलिटिकल पार्टी है, जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी है, उन्होंने वहाँ पे लोकल जो रेजिडेंट्स हैं या सिटीजन्स हैं उनके वोट्स भी लेने हैं। और इसी कारण जो है स्टूडेंट वीज़ा का भी जो सक्सेस रेट है इंडिया से काफ़ी कम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटीज जीटी क्लियर नहीं करती, और जिनके पास ऑलरेडी विजिटर वीज़ा है, जिनका ग्रांट हो गया है, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि वो वहाँ पे जाके कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उसमें रिफ्यूजल रेट थोड़ा ज़्यादा होगा पहले से। सो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी उन्होंने बताया था कि वो कुछ चेंजेस करेंगे कि 485 वीज़ा के लिए या स्टडी वीज़ा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, लेकिन अभी उसमें उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। पीछे जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि वो कोई भी अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहा है या तो उसको मिनिमम 6 ईच की या 6 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी कन्फर्म्ड अपडेट नहीं है। तो अभी के लिए इसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीने में ही आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी रख दें फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा, कि उनके 6 ईच होने ही चाहिए या 6 ओवरऑल होने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एली कोर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं। सो इसके अलावा जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थोड़ा सा रिफ्यूजल रेट ज़्यादा है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग योर वीज़ा। जहाँ आप अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको अपना कोर्स प्रोग्रेस जो आपने प्रीवियस स्टडी की है उस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना जो है वीज़ा अप्लाई करना है। आपको अपना नेक्स्ट कोर्स भी बड़े ध्यान से चूज़ करना है कि कौन से कोर्स में जो है आपके वीज़ा के हाई चांसेस रहेंगे। अगर आपने पहले बैचलर डिग्री की हुई है तो कोशिश करें कि मास्टर डिग्री में ही अपना वीज़ा अप्लाई करें, और अगर आपने पहले बैचलर डिग्री नहीं की हुई तो बैचलर डिग्री में वीज़ा अप्लाई करोगे तो थोड़ा सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इन सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4 और डिप्लोमा कोर्सेज। सो दीज आर सम ऑफ द अपडेट्स अबाउट जीटी एंड जीएसटी की जीएसटी जो है वो जीटी को रिप्लेस करेगी फ्रॉम 23rd of March। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और हेल्प चाहिए या आपको अपना वीज़ा एंडेवर से अप्लाई करवाना है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।